माहौल का असर ज़्यादा है कि तरबियत का असर ज़्यादा है। अपने बच्चों पर खुद रहम करें। एक बादशाह ने पूछा कि माहौल का असर ज़्यादा होता है या तरबियत का असर ज़्यादा होगा। एक वज़ीर बोला, जनाब माहौल का असर ज़्यादा होता है। दूसरा इसकी मुखालफत में कहने लगा, जनाब तरबियत ज़्यादा पुर असर होती है। बादशाह ने कहा, तुम दोनों अपनी अपनी बात को दलील से साबित करो और जो साबित न कर सका इसका सर उतार दिया जाएगा। एक हफ्ते का वक्त मुकर्रर हुआ तो आठवें दिन दरबार में हाजिरी थी। जिसने कहा कि तरबियत का असर ज़्यादा होता है, वो दरबार में दाखिल हुआ तो उसके इर्द गिर्द दो दर्जन बिल्लियां थी जिनके सरों पर मोमबत्तियां थी और वो मोमबत्तियां उठाकर बादशाह के सामने आदाब बजा लाई और सजदा किया और फिर हर वजीर के सामने जाकर झुकना शुरू किया और आखिरकार एक कतार में खड़ी हो गई। वजीर ने मुस्कुराकर कहा, जनाब आली, बिल्ली इंसान को देखकर भागती है मगर मैंने ऐसी तरबियत की कि इंसानों की तरह आदाब बजा लाई और तरतीब से खड़ी है। बादशाह ने दूसरे वजीर को जलाल भरी निगाह से देखा कि तुम तो थे माहौल का असर ज्यादा होता है, अब साबित करो। मगर वो बोला, हुजूर मैं फिलहाल कुछ साबित नहीं कर सकता मगर मुझे एक हफ्ते मजीद दे दे। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगला हफ्ता भी गुजर गया, उसके पास साबित करने को कुछ न था तो ये वजीर तमाम घर वालों को अलविदा कहकर बीवी बच्चों को वसीयत करके निकल आया कि आज भी साबित करने को कुछ नहीं है लिहाजा मौत पक्की है। भारी कदमों से बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। एक फकीर की कुटिया के पास हिम्मत हार के बैठ गया। फकीर ने वजीर का रंग फीका पड़ता हुआ देखा तो पूछ लिया कि क्या बात है। वजीर ने माजरा कह सुनाया। फकीर ने कहा, बेटा ये तो मसला ही नहीं है, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, तुम जीत जाओगे। फकीर ने इसको कुछ कहा तो वजीर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। आज दरबार भरा हुआ था। वजीर पहुँचा तो बादशाह ने कहा, आज फिर खाली हाथ आए हो, लगता है साबित करने को कुछ नहीं है। वजीर बोला, हुजूर दूसरे वजीर को आने दे, फिर साबित कर दूंगा। इतने में दूसरा वजीर महल में दाखिल हुआ। इसके इर्द गिर्द पहले की तरह बिल्लियां घूम रही थी। बिल्लियों ने पहले की तरह सजदा किया, एक कतार में खड़ी हो गई। इसी वक्त तो पहले वजीर ने जेब में हाथ डाला और एक चूहा निकाल कर बिल्लियों के सामने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, बिल्लियां चूहे के पीछे भागने लगी। इनके सरों पर रखी मोमबत्तियां महल के पर्दों पर गिर गई और पर्दों को आग लग गई। पर्दों से आग पूरे महल में फैल गई और सारा शाही महल जल गया। बमुश्किल आग बुझाई गई, दरबार फिर सजाया गया तो बादशाह चूहे वाले वजीर को कहर भरी निगाहों से देखने लगा कि ये क्या किया। वजीर कहने लगा, हुजूर मैं मानता हूँ तरबियत असर करती है, तभी तो बिल्लियाँ मोमबत्तियाँ उठाकर आपको सजदा कर रही थी, मगर ये भी सच है कि माहौल भी बहुत असर करता है। हुजूर देखिए, तरबियत याफ्ता बिल्लियों के माहौल में सिर्फ एक चूहे के आने से माहौल पर क्या असर पड़ा, आपका सारा महल जल गया। बस साबित हुआ कि तरबियत अपना असर रखती है मगर माहौल में तब्दीली तरबियत को बिगाड़ देती है। आप अपने बच्चों को सिर्फ तरबियत के दम पर एक अच्छा इंसान नहीं बना सकते जब तक अच्छा माहौल फराहम न करें। दुनियादारी का माहौल बच्चे को दुनियादार बनाएगा, दीनदारी का माहौल बच्चे को दीनदार बनाएगा। उलमा व फुकहा व मुफस्सिरीन की तरबियत व माहौल बच्चों को आलिम व फकी व मुफस्सिर बनाएगा। बेअमल बेनमाजी बेदीन असातजा की तरबियत व माहौल बच्चों को बेअमल बेनमाजी और दीन से बेजार बनाएगा। लिहाजा अपने बच्चों को आलिम बाअमल बनाने के लिए अच्छी तरबियत अच्छा माहौल फराहम करें, यही उनकी दुनिया और आखिरत के लिए कामयाबी का जामिन होगा।